ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और भाई एक भाई मिस्टीरियस क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो कि ये हुला लाला भाई ये इनविजिबल बना कैसे। तो मुझे तो लगता है भाई कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि भाई ये बंदा गया था भाई ये डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड के पास भाई प्रे करने और भाई उसके पास से ये पावर उसको मिला है। और एक चीज भी हो सकता है कि भाई ये बंदा कोई मैजिकल पावर वाले बंदे के पास गया था, जैसे कि हमारा ये विजर्ड है, और उसके पास से ही भाई ये पावर लेके आया भाई इनविजिबल होने का। और लास्ट जो चीज भाई हो सकती है कि भाई इस बंदे ने खुद नहीं भाई ये इनविजिबल होने का पावर भाई डेवलप कर लिया, या फिर भाई इस बंदे के पास पहले से ही था और भाई हमें सीजन 3 में दिखा नहीं। तो आप भाई कमेंट करके ये बताओ भाई इन तीनों में से भाई कौन से सही हो सकते हैं। मैं भाई इन तीनों के तीनों को ही भाई डिस्कस करूंगा और भाई जितना मुझे मालूम है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन भाई आप कमेंट करके बताओ भाई आपको कौन सा सही लगता है। और आप जब कमेंट करने जा ही रहे हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि भाई आपके एक सब्सक्राइब से भाई बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जब भाई सब्सक्राइब करिए तो भाई प्लीज बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे सेट कर देना ऐसे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो बढ़ते हैं भाई पहले वाले चीज के ऊपर कि भाई इस बंदे को ये इनविजिबल होने का पावर भाई डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड ने दिया है। और एक चीज भाई आप खुद ही देखो भाई, मैंने कुछ दिन पहले भाई ये जो भाई यस मॉडिफाई का वीडियो आया था उससे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था भाई, और उसमें भाई मैंने बताया था भाई कुछ ऐसा देखने में होने वाला है भाई ये टेम्पल ऑफ नॉच, और आखिर में भाई हमें ऐसे ही कुछ देखने को मिला है। तो भाई यहाँ से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई ऐसे ही प्रेडिक्शन करते रहता हूं और भाई अंदर के खबर आपको देते रहता हूं। तो बढ़ते हैं भाई टॉपिक के ऊपर कि भाई इस बंदे को भाई ये डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड ने भाई ये जो इनविजिबल होने का पावर है दिया है। देखो जितना मुझे लगता है भाई ये डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड ने भाई इस हुला लाला को ये पावर नहीं दिया है, मुझे लगता है, क्योंकि भाई देखो इस बंदे के पास अगर ये पावर भाई डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड से अगर आता तो डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड भाई एक गॉड है, और उसके पास तो भाई फ्यूचर देखने का पावर तो जरूर होगा, क्योंकि भाई उसने भाई देख लिया था भाई कि यस मटीपा और ये होगला लगा क्लोन के पास भाई एंचेंटेड रॉ गोल्ड भाई है, इसलिए भाई उसने इन दोनों के ऊपर भाई ये जो गोल्ड और भाई डायमंड का बारिश किया था। तो आप ही सोचो भाई जो बंदा भाई इतना पावरफुल है वो क्या भाई फ्यूचर नहीं देख सकता, तो भाई वो जरूर फ्यूचर देख सकता है। तो भाई उसने अगर हुला लाला को ये पावर दिया होता तो भाई वो क्यों भाई यस मटीपाई और भाई ये हुला लाला के क्लोन को ये स्प्लैश पोर्शन ऑफ विजिबिलिटी देता। आप लोग बोल सकते हो कि भाई यस मटीपाई ने ये डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड का भाई काम किया इसलिए भाई उसने ये चीज उसको दिया है, लेकिन भाई आप लोग एक बात ध्यान से सोचो, ये जो हमारा फलाना जी है इस बंदे ने धोखा दिया था भाई इस डार्क एंटिटी को, इसलिए भाई ये जो डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड है या फिर जो भाई टेम्पल ऑफ नॉच या फिर जो नॉच आप बोल सकते हो, इसने भाई ये एस मटीपाई को बोला था भाई फलाना जी को मारने के लिए। लेकिन मिस्टर फलाना जी तो भाई वफादारी था भाई डार्क एंटिटी का, जब उसके ऊपर भाई एक स्प्लैश पोर्शन ऑफ पीस मारा गया उसके बाद भाई वो वफादार से भाई धोखेबाज बन गया, और हम सभी को तो ये भाई मालूम है भाई वो मारा था भाई यस मटीपाई ने, तो भाई कायदे से तो भाई यस मटीपाई ने भाई धोखा दिया है भाई ये डार्क एंटिटी को और भाई ये एक नॉच को। तो सबसे पहले तो भाई ये डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड को भाई ये यस मटीपाई को मार देना चाहिए, लेकिन भाई उसने नहीं मारा और भाई उसने उसका हेल्प भी किया। मुझे तो लगता है भाई इस चीज में कुछ तो गलतियां है भाई, आपको क्या लगता है भाई कमेंट करके जरूर बताना। तो बढ़ते हैं भाई सेकंड वाले चीज के ऊपर कि बंदे ने कोई मैजिकल पावर वाले बंदे से भाई हेल्प लिया है। देखो भाई ये कुछ भाई सही हो सकता है या फिर भाई गलत भी हो सकता है कि इस बंदे ने भाई कोई मैजिकल पावर वाले बंदे से हेल्प किया। अगर वो बंदा भाई ये ओवरवर्ल्ड या फिर जो हिमलैंड का अगर बंदा होता तो भाई वो ये जो हुला लला है इसको भाई हेल्प नहीं करता, जरूर ये बंदा भाई कोई अलग ही वर्ल्ड का होगा, या फिर ये बंदा भाई हो सकता है भाई डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड के पीछे जो भाई वो सिविलाइजेशन है उसमें से कोई बंदा होगा। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई ये बंदे ने भाई हेल्प किया भाई वो सिविलाइजेशन से, क्योंकि भाई ये बंदा भी कुछ आप बोल सकते हो ये भी भाई पूजा किया करता था भाई डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड का, तो भाई ये भी उनमें से एक बंदा हुआ, तो भाई वो जाके भाई आराम से उनसे हेल्प ले सकता है। और कोई अगर भाई ये हिमलैंड के अंदर इस हुला लला को हेल्प कर सकते हैं ऐसा कुछ पावर देके तो ये सिर्फ भाई वो सिविलाइजेशन के बंदे ही कर सकते हैं और भाई कोई भी नहीं कर सकते इस हिमलैंड के अंदर। आपको क्या लगता है भाई कमेंट करके जरूर बताना। और भाई बढ़ते हैं भाई आखिरी वाली चीज के ऊपर, तो ये चीज भाई हो सकते है कि भाई इस बंदे के पास पहले से ये पावर था, या फिर भाई इस बंदे ने भाई कोई ट्रेनिंग लेके भाई या फिर कुछ और करके भाई ये पावर डेवलप किया है अपने से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई इस बंदे के पास और भी पावर्स है जो भाई हमें सीजन 3 में दिखे हैं कि भाई ये बंदा कुछ भाई मूवमेंट्स का पास्ट या फिर भाई फ्यूचर देख सकता है। और अगर भाई इस बंदे के पास पास्ट और भाई फ्यूचर देखने का पावर है तो भाई इस बंदे के पास शायद से भाई ये इनविजिबल होने का पावर भी होगा, इसलिए भाई आप खुद ही देखो भाई जब इस बंदे के ऊपर भाई स्प्लैश पोर्शन ऑफ विजिबिलिटी गिरा ये बंदा भाई सिर्फ थोड़ा सा विजिबल हुआ भाई, पूरा विजिबल नहीं हुआ जैसे हमें भाई ये पहले दिखता था। और भाई इसी चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस बंदे के पास पहले से ही भाई ये इनविजिबल होने का पावर था, हमें भाई शायद से सीजन 3 में नहीं दिखा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया जाना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन बेल पर सेट करो ऐसे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।